हाउ आई स्टार्ट रीडिंग बुक्स, या मैं ये कहूँ कि बुक। अब बुक मैंने क्यों कहा उसकी बात हम थोड़ा आगे चल के करते हैं। सो दिस इज प्रीटी मच टुडेज व्लॉग इज ऑल अबाउट बुक्स। पाकिस्तान में ज़्यादातर लोग बुक्स इसलिए नहीं पढ़ते क्योंकि बचपन से हमें बुक्स के नाम पे सिर्फ रट्टे मरवाए जाते हैं। एनीथिंग दैट हैज़ मैस इन ऑक्युपाई स्पेस इज कॉल्ड मैटर, एनीथिंग दैट हैज़ मैस इन ऑक्युपाई स्पेस इज कॉल्ड मैटर, एनीथिंग दैट हैज़ मैस इन ऑक्युपाई स्पेस इज कॉल्ड मैटर। ये बात है, बचपन से हमें रट्टे मरवाए जाते हैं, इसलिए ज़्यादातर लोगों को बड़े होकर पता ही नहीं होता कि बुक्स डिफरेंट टाइप्स की होती हैं, उनमें काफ़ी नॉलेज होता है। उनमें से मैं भी एक था देखा ना था। तो अब बात आती है मुझे शौक कैसे पैदा हुआ बुक पढ़ने का। तो यार मैंने देखना शुरू किया कि जो भी मेरी फेवरेट मूवीज़ हैं वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी बुक पे बेस्ड हैं। थ्री इडियट्स ले लो, हैरी पॉटर ले लो नॉवल पे, और एमसीयू कॉमिक बुक पे एवेंजर्स, यार सबको पता है, सबने देखी है एवेंजर्स, यहाँ पे बात ही खत्म होगी। तो ये सब मूवीज़ किसी ना किसी बुक पे बेस्ड हैं, एक बात तो ये होगी। दूसरी बात ये है कि मैंने सुना है काफ़ी ज़्यादा लोगों को कहते हुए कि मार्क ज़करबर्ग, बिल गेट्स और काफ़ी ज़्यादा ऐसे लोग बुक्स पढ़ते हैं, यू नो बुक्स में नॉलेज होता है। तो यार थोड़ा सा ऑफ टॉपिक जा रहा हूँ। माय फेवरेट एक्टर है शाहरुख खान। अगर आप लोगों में से किसी ने भी शाहरुख खान का AIB वाला पॉडकास्ट देखा हो, उसमें उसकी लाइब्रेरी देखो भाई, पीछे कितनी बुक्स पढ़ी हैं भाई, वो भी बुक्स पढ़ता है, और जो आगे टेबल पड़ी होती है उसके ऊपर भी बुक्स पढ़ी हैं, और इस्लामिक बुक्स पढ़ी हैं भाई, तो ये देखो वो भी बुक्स पढ़ता है। तो यार कुछ अच्छी चीज़ें तो पिक करनी चाहिए ना हमें अपने फेवरेट एक्टर या किसी भी फेवरेट पर्सनैलिटी से, तो वो चीज़ है। उसके अलावा मैंने बहुत से यूट्यूबर्स को भी देखा है जो बुक्स पढ़ते हैं, तो वहाँ पे तो ये कंफर्म हो गया था कि ये तो होगा। अब ये तो शौक पैदा हो गया कि कोई ना कोई बुक तो पढ़नी है, लेकिन कौन सी पढ़नी है ये नहीं पता लग रहा था। तो लास्ट ईयर दिसंबर की बात है, मैं अपना इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहा था और उस टाइम मैंने देखी एक बुक, उसका नाम था द सीक्रेट। तो मैंने इस बुक का नाम पहले भी 2-3 बार सुना था, मुझे ये याद नहीं कि मैंने कहाँ सुना है, लेकिन ये पता है कि मैंने कहीं सुना था, अभी भी याद नहीं है साल बाद। खैर तो पहले तो मुझे ये बुक इंटरनेट पर मिल नहीं रही थी, और जब मिली मुझे तो बुक डाउनलोड करने के बाद आपके भाई का जोश इस लेवल तक था कि मतलब 2-3 दिन तक ये बुक ख़त्म कर देंगे, तो समझ रहे हो ना नया जोश होता है, तो वो सीन था। तो लास्ट ईयर दिसंबर में मैंने वो बुक डाउनलोड की थी, और आज है 23 दिसंबर 2020, और अभी तक मैंने वो बुक पढ़ी है सिर्फ इतनी, एक मिनट, नज़र आ रहा है कि नहीं, वेट मैं फोकस करता हूँ। तो ये रीज़न थी कि आपके भाई ने शुरू में बुक्स की जगह बुक कहा था। मैंने पढ़ी तो थी लॉकडाउन में थोड़ी बहुत, लेकिन खैर। तो ये वीडियो सिर्फ मैं अपने लिए बना रहा हूँ, ये एक तरह से मेरी न्यू ईयर रेजोल्यूशन है कि अगले साल उसामा साहब और कुछ हो ना हो, बुक ज़रूर पढ़नी है, और ये वाली भी ख़त्म करनी है। तो हाँ, सो दिस इज़ हाउ आई स्टार्ट रीडिंग बुक्स। अगर आप लोग पढ़ते हो या नहीं पढ़ते तो कमेंट में बता दो। तो बाय, पीस। तो बेटा देखो ना, हम पाकिस्तानी वाली लैंग्वेज नहीं आजमा रहे, पीस नहीं कह रहे हम, पीस यू मतलब पूरा अंग्रेज स्टाइल आ रहा है आहिस्ता। एम के PhD छाप रहा हूँ भाई। नेट पर मिल नहीं रही थी, और जब मिली मुझे यू टॉरेंट से फ्री ई बुक।